नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डिफरेंट लेवल की स्टडी को हम जनरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और एडवांस लेवल, जो अलग अलग एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मीडियम टू एडवांस्ड लेवल यहाँ से रहेगा, मतलब जितने पेपर एलोपैथ फार्मा के होते हैं और सभी में एनाटॉमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपके होम्योपैथ में भी इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चंस का लेवल एनाटॉमी और आपका फिजियोलॉजी का रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, जैसे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि द मीडियन क्यूबिटल वेन इज द वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावीनस इंजेक्शन विदड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम डोनर्स एंड कैथेटराइजेशन बिकॉज इट इज, यानी कि मीडियन क्यूबिटल वेन को नस में सुई लगाने, ब्लड डोनर से ब्लड निकालने और कैथेटर डालने के लिए प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये एक लंबी वेन है, ब्लड निकालते समय फिसलती नहीं है, या आपका एक सहायक वेन है या फिर एक डीप वेन है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, डज नॉट स्लीप वाइल ड्राइंग द ब्लड, यानी कि ब्लड निकालते समय ये फिसलती नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां से बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्यूबिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मीडियन क्यूबिटल वेन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह शरीर में स्थिर रहती है और जब सुई से छेद किया जाता है तो यह फिसलती नहीं है। इस वेन का उपयोग इंट्रावीनस इंजेक्शन, ब्लड डोनेट और कार्डियक, यानी कि दिल से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी घर बैठे होम्योपैथ की कंप्लीट तैयारी करनी है तो इसके लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यूपी ट्रिपलेसी होम्योपैथी का ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, बुक्स, एमसीक्यूज, ये सब कुछ मिलेगा। सारी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8278723715, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो इसलिए एक भी क्वेश्चंस, एक भी क्लास, एक भी एमसीक्यूज आपका छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।